भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल यह नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं। लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है, सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया, सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, ये बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए, यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए।
आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ और युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में, अंदर। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे? क्या अंबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको? नहीं, वो ऐसी कमरे में। आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। पंजाब में हमारी सरकार, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाई और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है, किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं किसानों पर आक्रमण करने के, 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। मैं थोड़ा पानी लूं। अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को धन्यवाद। लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं, और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया। किसानों के साथ प्रधानमंत्री हूं, खड़ा हूं, मगर काम सिर्फ उन 2 लोगों का होता है। एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, आपके खेत, माइंस, जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोदी देता है। आप लोग देखते रह जाते हो।
अब आपके हाथ में चाबी है, अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है, अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब भी आप पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की, मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा, भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी यह देश और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है, इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा समर्थन कीजिए, उनको जिताइए और बिहार में एक नई सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।